हेलो स्टूडेंट, आई एम भूपेंद्र पटेल फ्रॉम एलसीएस इन हिंदी। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सट्रीम प्रोग्राम के बारे में, जो एक टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जीटीयू के सिलेबस के अंदर भी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नाउडेज एवरी कंपनी मूविंग फ्रॉम ओल्ड एसटीएलसी मॉडल लाइक वाटरफॉल लीनियर एज वेल एज द इंक्रीमेंट मॉडल टू द एजाइल प्रोसेस मैथडोलॉजी, राइट। So this is the one part of the agile methodology. So without wasting much time, we will start our session. So अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही मेरी चैनल से थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता रहेगा। यू हैव टू जस्ट स्पेंड अराउंड 10 मिनट्स सो यू विल अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, राइट। सो एक्सपी इज अ लाइटवेट, एफिशिएंट, ग्लोरियस, फ्लेक्सिबल, प्रेडिक्टेबल, साइंटिफिक एंड फन वे टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, राइट। मींस उसका मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जो मेथड है, वो आपको हेल्पफुल कब होता है? व्हेनेवर यू स्टार्ट योर डेवलप एनी प्रोजेक्ट और वेबसाइट। सो दिस इज द वेरी लाइटवेट, एफिशिएंट एंड ग्लोरियस है। लो रिस्क क्यों है? क्योंकि आप जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट वेरी लिटल कंपेयर टू द एसडीएलसी मॉडल, बट हियर यू हैव टू फोकस मोर ऑन द योर डेवलपमेंट पार्ट, राइट, इंस्टेड ऑफ द मेक सम डिफरेंट डॉक्यूमेंट। सो वेन एवर यू लुक इन द रियल टाइम एग्जाम्पल, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई सम रिस्क एज वेल एज द इफ यू हैव लाइक टू चेंज द समथिंग, सो यू कैन इजिली डू दैट, राइट। So second thing is extreme programming. Means XP was conceived and developed to address the specific needs of software development by small teams in the face of the vagrant and changing the requirement. ये जो extreme programming methodology है, so ये small से big company means team size होती है। Suppose आप project बना रहे हो, 3 लोग हो, तो उसमें भी काम आ सकता है। एज वेल एज कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉयज है पर प्रोजेक्ट, सो वो भी इस पे पर काम कर सकता है। सो देर आर नो एनी लिमिटेशन टू बेस ऑन द टीम। इफ यू हैव 100 पीपल इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सो यू कैन यूज द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, बट दैट इज द रॉन्ग थिंग। यू कैन यूज द एनी वे और एनी वे, राइट। सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज क्यों करते हैं? So there are 5 different points are there for that we are using the extreme programming. First one is the communication, means आप जब भी project start करते हो बनाना, you can discuss with your customer or client as well as your team member. So whenever you get any problem or any difficulty or error, so you can resolve very immediately. The second thing is the simplicity. So simplicity means क्या है? एस डी एल सी में हम जब बनाते हैं तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनता था एंड एवरी वन हैज टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया एज वेल एज दी सम नॉट वेन एवर दे स्टार्टिंग टू वर्क ऑन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बट हियर इज अ टोटली डिफरेंट, मीन्स आपको सिर्फ सब पॉइंट ही याद रखना है जो स्मॉल होंगे ईच मेंबर को, लाइक एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। देन थर्ड पॉइंट इज अ फीडबैक। सो फीडबैक का मतलब ये है कि जब भी आप थोड़ा बहुत कुछ बनाते हो तो आपको क्या करना है कि उससे कलेक्ट करना है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, राइट। देन पॉइंट है करेज। करेज मीन्स क्या है? इफ समवन हैज डू सम रॉन्ग थिंग, सो यू हैव टू एनकरेज देम एंड यू कैन से यू कैन डू दैट, सो यू कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम बिगिनिंग, सो वी कैन इजिली अचीव अवर गोल ऑन द टाइम। देन द रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? जो भी बंदा उसमें काम कर रहा है, सो ऑल आर द इक्वल इन द पर्टिकुलर टीम, सो देर आर नो दिस इज द लेस वर्क ऑफ दिस पर्सन और दिस पर्सन इज अ हाई वर्क, सो दैट इज द रॉन्ग थिंग एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द टीम मेंबर, राइट। सो दिस 5 पॉइंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो उससे क्या होता है जब ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? फोकस ऑन द कंटिन्यूअस फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। एज आई टोल्ड यू एंड अर्लियर स्लाइड,
कि आपको कंटिन्यूअसली फीडबैक लेना है कस्टमर से. व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्ट द योर मेकिंग द प्रोजेक्ट, यू हैव टू कंटिन्यूअसली टच विद द कस्टमर. इफ यू हैव डेवलप्ड टू और थ्री पेजेस एंड यू वांट टू कस्टमर वांट टू चेंज समथिंग एंड यू हैव डेवलप्ड द होल वेबसाइट एंड कस्टमर विल कम एट योर ऑफिस और योर होम एंड कस्टमर विल टेल यू आई हैव टू चेंज दिस थिंग. बट व्हेनेवर यू आर developing the particular that page and you can communicate with the customer, so at that time customer will let you know, so aapko easily wahan se change ho jayega, right? So that twice is the important thing. Then short iteration. Isme kya hoga, jab bhi aap each phase pe kaam karte ho, means design pe, to customer ke sath communication hoga, to thoda bahut change aata hai to aapko wahin pe hi khatam ho jata hai, na ki aap complete kar do fir uske paas feedback lo and then you can do the iteration. So that is the wrong thing. Third one is a design and redesign. Means maine jo pehle bola aapko ki aap design kar rahe ho and you continuously communicate with your customer, so whenever he need, he wants to change something, so he directly tell him or tell you I have to change this thing, so you can redesign this form as well as the some GUI. राइट. देन कोडिंग एंड टेस्टिंग फ्रीक्वेंटली, मीन्स आप जब भी एक बार एक मॉड्यूल बना देते हो आपको वहाँ से कोडिंग स्टार्ट करना है. मीन्स इन एजाइल प्रोसेस एवरी प्रोसेस मीन्स एनालिसिस डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग गोइंग टू ऑन अ पैरेलली, राइट, नॉट दी वन बाय वन. देन पॉइंट इज एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स अर्ली दस रिड्यूसिंग कॉस्ट. मीन्स जब भी आप फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग करते रहोगे, जब भी डेवलपर बनाता है और उसके साथ साथ आप टेस्टिंग करते रहोगे, तो देर आर लेस चांसेस टू गेट द डिफेक्ट, राइट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो आप जब भी बना रहे हो आपको तुरंत मिल जाएगी वो डिफेक्ट है और एरर है, तो उससे आपकी रिड्यूसिंग कॉस्ट भी हो जाएगी. देन कीपिंग द कस्टमर इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट. आपको कस्टमर को इन्वॉल्व रखना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो व्हेनेवर यू हैव टू have some query, so you can directly contact to the customer and you can explain the whatever situation you are facing, so customer will think that and I think they will change your some situation or some functionality, so you can easily do that. Then delivery working product to the customer. Uska matlab kya hai ki aap jab ye jo upar diye gaye 6-7 step hai aap continuously focus karoge, तो आपको क्या होगा कि जब भी आप डिलीवर कर रहे हो सो एक्यूरेट प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर होगी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. देयर आर नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्लानिंग एंड यू हैव टू मेक सम स्टोरी कार्ड्स, मींस व्हाट यू हैव टू मेक. एंड थर्ड वन इज द टास्क कार्ड, सो हु विल डू द पर्टिकुलर दिस टास्क, राइट. देन डिजाइनिंग मींस सिंपल डिजाइन, मींस रफ लेआउट designer do that and it transfer to the coding. Then coding means unit test continuously integration testing, means developer है आपके 10 बार है तो आप refactoring करेंगे, means आप एक बार code लिख दिया तो आप check करेंगे कहीं गलती नहीं है, तो वो coding पे होता है. And coding का जो भी एक module खत्म होता है अलग अलग, तो उसका continuously unit test as well as the integration test होता है जब भी आप वहाँ पे coding कर रहे हो तब. Then pair of programming, that is the some error you found during the testing, so you can contact to the developer and you ask him please change kar do, ye thoda coding mere isme galat aa raha hai, so wo easily change ho jayega. Then after the testing you have to define some criteria about the acceptance testing, means product increment. To usme kya hota ki aapne jab start kiya working karne ke liye, some functionality is required to deliver the project. अगर आपको बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, आप होम पेज बना के दे दोगे, सो नेवर कस्टमर विल एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट. बट यू कैन मेक सम ब्यूटीफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड यू कैन इजीली इंसर्ट द डेटा इनटू डेटाबेस, सो कस्टमर विल एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट एंड यू कन्विंस देम सम अदर पेजेस आई विल मेक इन फर्दर प्रोसेस. सो इट इज द गुड फॉर द कस्टमर एज वेल एज यू. सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस of the extreme programming, right? So in this video I have explained the extreme programming. Thank you so much for watching my YouTube channel.
And don't forget to click on subscribe as well as the like button. And you have any question, you can send me email on the my email address. And you have any suggestion or any have any comment, so please write in the comment box. Thank you.